First of all, good evening to all the friends in the media for coming and attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं. इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है. शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC De Burma's house, the IPFT president, and they had said that they will be ulog hamlo ke sang tipra motha ke sang Delhi jointly jayenge. Hamara baat IPFT se pichle ek mahine mein chal raha hai aur hum log dono agree karte hain कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील समथिंग फॉर त्रिपुरा, फॉर द त्रिपुरासा पीपल, कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज़ भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए. त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. हम लोग दोनों आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं. हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है. हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए. हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है. NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है. तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो त्रिपुरासा का समस्या का हल नहीं होगा. तो इन द इंटरेस्ट ऑफ थानसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे बात करेंगे, तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है. और IPFT पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था. IPFT ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने IPFT के लिए अलग से टू मोर बोगीज हमने बुक किया है. पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख को IPFT त्रिपुरा मोथा और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है. दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान. 27 तारीख हमने क्यों चूज़ किया, उससे पहले चूज़ क्यों नहीं किया, ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे MPs नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के MPs, लोकसभा के, राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे. पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे. और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड या त्रिपुरा लैंड के बारे बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा. MPs जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे त्रिपुरासा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं. तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है या त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है को कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं. पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में
हमारा आंदोलन 29, 30, 31 तीन दिन जो है उसके बीच में होगा। तिपरा मोथा और एक चीज अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है, तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT, तिपरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, तिपराहा, TPF, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए तिपरा साह को बात नहीं देना चाहता। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। IPFT आज भी गवर्नमेंट में है। हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, NC बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको तिपरा लैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। और मैं मीडिया को एक, मैं आपको बोल कुछ नहीं सकता हूँ, लेकिन आई कैन गिव यू अ सजेशन। त्रिपुरा में पिछले एक महीने से, जब से बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेट अटैक्स हुआ हमारे मंदिरों में, तो काफ़ी रिएक्शन वायलेंस हुआ है। मीडिया को भी दबाव दिया गया है, जो नॉर्थ त्रिपुरा में पानी सागर में हुआ वो भी है। और मैं मीडिया को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मोथा का क्लियर स्टांस है कि वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, बी इट क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, एंड वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन त्रिपुरा, बी इट मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट और एनी अदर कम्युनिटी विच इज बींग टारगेटेड। वी आर अ सेक्युलर स्टेट, और क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गुंडे लोग, कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स ने गलत काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में भी हम वही करें जो वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स कर रहे हैं। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से मिलाकर किसी का पॉजिटिविटी नहीं होता है। आज जो कम्युनल वायलेंस के पीछे चल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आज ये हमारा बिहेवियर बांग्लादेश में भी दिखाया जा रहा है, और बांग्लादेश में भी एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, उन्होंने अगर रिएक्शन दिया या किया तो हमारे जो हिंदूज हैं बांग्लादेश में, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको और भी खतरा हो सकता है। शेख हसीना हिंदुस्तान का फ्रेंड है, उनके फादर के संग त्रिपुरा का रिलेशनशिप था, और जो हम यहां में कर रहे हैं माइनॉरिटीज को अटैक करके,
उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेकर जो संगठन लोगों ने किया है उससे वहाँ के एक्सट्रीम एलिमेंट्स को ज़्यादा अपर हैंड मिल रहा है। समय है कि हम अपने दोस्त को पहचाने और ऐसा कुछ ना करें जिससे माइनॉरिटीज त्रिपुरा में खतरे में आए और हमारे जो हिंदू क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में हैं वो भी खतरे में आए, क्योंकि यहाँ में हम कुछ कर रहे हैं यहाँ के माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। लास्ट पॉइंट, मैं मीडिया को अपील करना चाहता हूँ कि आप तो शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं, स्पेशली मीडिया जो अगरतला में है, लेकिन एक पोर्ट्रेल हो रहा है आंचलिक पार्टी के बारे। ये आंचलिक पार्टी वेस्ट बंगाल से नहीं आया है, नागपुर से नहीं आया है, दिल्ली से नहीं आया है, ये त्रिपुरा का ही आंचलिक पार्टी। शायद हम लोग को थोड़ा फैसिनेशन है कि जो बाहर से आते हैं उनको हम माला पहनाते हैं और अपने ही लोगों को नीचे दिखाते हैं। त्रिपुरा मोथा ने कभी धर्म का पॉलिटिक्स नहीं किया। त्रिपुरा मोथा जब से काउंसिल में आया है एक दंगा नहीं हुआ अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। हम भी शासन करना जानते हैं, लेकिन सब मीडिया नहीं, लेकिन एक दो मीडिया हाउसेस है जो अपने आप को मीडिया हाउसेस बोलते हैं लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं, ओपिनियंस देते हैं, प्रवचन देते हैं। उनका माइंडसेट आज तक यही है कि आज का जो तिपरासा जो इंडिजिनस है वो भी वनवासी है, उपजाति है। लेकिन उनको भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, सबका समय आता है और हमारा भी समय आएगा। उस समय मैं वो गलती नहीं करूँगा जो हर सरकार करता है और किसी से बदला लेता है। ऐसा अब राजनीति हमको पसंद भी नहीं और हम करेंगे भी नहीं। लेकिन मीडिया, क्योंकि मैं भी मीडिया हाउस चलाया हूँ मैंने 13 साल, आप भी फ्री एंड फेयर न्यूज़ दिखाइए। मैं जानता हूँ कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितने नेशनल पार्टीज़ के पास पैसा है, उनका एडवर्टीज़मेंट अच्छा आता है, लेकिन आपका दायित्व बनता है जहाँ में सच हो रहा है उसको दिखाए और जहाँ में गलत हो रहा है उसको भी दिखाए। कवर अप करके हम किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चलता है, डेमोक्रेसी में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल है, जुडिशरी का बड़ा रोल है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सिर्फ नेता के पीछे भागकर उनका साउंड बाइट्स लेना क्योंकि वो अच्छा विज्ञापन देंगे, उसको मीडिया नहीं कहते, उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। सो प्लीज़ जो आज हमने आपको बताया है उसको इन टोटो लीजिए और इसका मैन्युपुलेशन ऑफ व्यूज मत कीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। TDF से मेरा बात नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, हमको सोचना चाहिए। आई विल टॉक टू द प्रेजिडेंट ऑफ TDF एंड इफ दे वॉन्ट टू जॉइन इन द मूवमेंट फॉर त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट देम टू जॉइन अस। इट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू सी पीपल हु आर नॉट जस्ट त्रिपुरासाज बट नॉन त्रिपुरासाज ऑल्सो जॉइनिंग इन एंड अंडरस्टैंडिंग अ पेन एंड स्ट्रगल। आई विल वेलकम दैट। एनी अदर क्वेश्चन? वी आर, हमारा डिज़ायर है दैट वी वुड शुड बिकम वन पोलिटिकल पार्टी, लेकिन ये पोलिटिकल पार्टी तब होगा जब हम राइटिंग में देंगे कि हम BJP, कांग्रेस या तृणमूल से अलायंस नहीं करेंगे जब तक राइटिंग में हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं मिलता है। तो मैं अपील करता हूँ IPFT को कि 3.5 साल तो हो चुका है, आप भी सोचिए कि हम आने वाले दिन में अगर त्रिपुरा लैंड के लिए फाइट कर रहे हैं
तो हमें मंत्री पद के बारे नहीं सोचना चाहिए और हमें एक होकर, एक पार्टी होकर, कोई भी नाम हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, उसको रखकर हमको आगे चलना चाहिए। एनसी बाबू और मेवार ने मुझे कहा है कि उनके लिए मंत्री पद इम्पोर्टेंट नहीं है, तिपरलान इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आई वेलकम दैट, लेकिन अब इसको हमको राइटिंग में करके हम इसको न्यूज़पेपर में छापना चाहते हैं कि पीपल ऑल्सो नो दैट आर कमिटमेंट इज़ नॉट फॉर पोस्ट, आर कमिटमेंट इज़ नॉट फॉर पावर, बट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट ऑफ आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बेलाइनो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू।